पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जहां सियासी दांव पेच का दौर जारी है। अब बंगाल में एक ऑडियो बम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोप अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया नाम के शख्स और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। टेप में गणेश बागड़िया और सरकारी अफसर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की जा रही है। ऑडियो टेप लीक होने के बाद बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने उगाही सिंडिकेट बनाया है, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चलाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का कहना है कि दीदी को भी इस उगाही की पूरी जानकारी है। और इन ऑडियो टेप के जो तथ्य हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वो दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार, कट मनी, सिंडिकेट राज चल रहा है। इन ऑडियो टेप में एक बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि एक बड़ी ही व्यवस्थित प्रणाली उगाही की वहां पे चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता की दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के बाद अब वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर मोदी ने तंज मारा। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात से साफ है कि दीदी बंगाल हारने वाली हैं। वहीं पीएम ने वाराणसी के नाम पर दीदी की बाहरी बनाम बंगाली सियासत पर भी हमला किया। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अच्छा, दूसरी बात, दीदी आप बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बंगाल में फूट डालने के लिए पैसा दिया है, तो वहीं दीदी ने मोदी और शाह की राजनीति को 1905 के बंगाल विभाजन से जोड़ने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन मामले की जांच अब एसआईटी टीम करेगी। ये टीम मऊ और पंजाब जाकर पड़ताल करेगी। मुख्तार अंसारी के पास मौजूद बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस वापस बाराबंकी लाई जाएगी। बाराबंकी के एसपी के मुताबिक डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके लिए टीम गठित कर जांच की गई है।